हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेसीएस क्लासेस। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम वॉरियर्स में। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि किसी भी संख्या का वर्ग कैसे निकालते हैं। आप लोगों ने इससे पहले एक वीडियो देखा था जिसमें हमने संख्याओं का स्क्वायर वर्ग निकालना आपको सिखाया था। उसमें क्या था कि अगर हमें पीछे की संख्या का स्क्वायर पता है तो हम आगे की संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं। लेकिन अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने जा रहा हूं, इसकी हेल्प से आप किसी भी संख्या का स्क्वायर निकाल सकते हैं, चाहे उससे पहले की संख्या का आपको स्क्वायर पता हो या ना पता हो। ठीक, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि स्क्वायर को हम कैसे आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए, यहाँ पर हमने कुछ संख्याएं ली हैं और हम किन का स्क्वायर निकाल कर देखेंगे, और आप इसे ध्यान से देखिए। देखिए, ये है 98, 98 है और हमें इसका क्या करना है, स्क्वायर निकालना है। किस तरीके से निकालेंगे? जब भी हमें किसी भी संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो आपको क्या करना है, उसके नियरेस्ट दहाई में पहुंचना है। ठीक है, मतलब जैसे ये है 98, तो इसके पास नियरेस्ट दहाई कितनी मिलेगी, 100 मिलेगी। ठीक है, 100 मिलेगी। कब मिलेगी 100? अगर हम इसमें 2 जोड़ दें, हम क्या करें, 2 जोड़ दें तो हमें क्या मिल जाएगा, 100 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम किसी भी संख्या का जब स्क्वायर निकाल रहे होंगे तो हमें उसकी नियरेस्ट दहाई पर पहुंचना होगा, चाहे कुछ जोड़कर पहुंच जाए और चाहे कुछ घटाकर पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं इसमें हमें कैसे 2 जोड़ने पर 100 मिलेगा। अब जितना जोड़ा है आपने उतना ही घटाना भी पड़ेगा। अब इसमें से अगर हम 2 घटा दें तो हमें मिलेंगे यहाँ पर 96। इतनी बात क्लियर हो गई। देखिए, हमें क्या करना, नियरेस्ट दहाई पर पहुंचने के लिए 2 जोड़ने पड़े। जितने आप जोड़ रहे हो उतने ही आप घटा लीजिए। ठीक, अब क्या करना है, जितना हमने जोड़ा है उसका क्या कर दीजिए, स्क्वायर कर दीजिए। हमने कितना जोड़ा, हमने जोड़ा है 2, 2 दूनी कितने हो गए, 4। तो आप 4 को इधर इकाई की तरफ लिख लेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, जो हमारी दहाई बनी है, जो हमारी दहाई बनी है, इसमें से एक जीरो क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे, एक जीरो खत्म कर देंगे, और फिर जितना बचेगा उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे यहां जो घटाकर हमें मिला था उसमें। तो देखिए, 10 की गुणा 96 में करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 960, और 960 को हम उस 4 के आगे लिख देंगे, ये हो जाएगा 98 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बात समझ गए। अब देखिए, इसी तरीके से हम निकालते हैं 68 का। क्या करना है, नियरेस्ट दहाई इसमें कौन सी मिलेगी, इसमें नियरेस्ट दहाई हमें मिलेगी 70, और 70 कब मिलेगी, जब हम 2 जोड़ दें। ठीक है, तो हमें कितने मिल जाएंगे, 70 मिल जाएंगे। जितना जोड़ा है उतना ही हमें घटाना भी पड़ेगा, 2 घटाने पड़ेंगे। जब हम इसमें से 2 घटाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 66 आ जाएंगे। ठीक है, क्या करते हैं, जितना जोड़ा है उसका वर्ग कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, जहां जो दहाई मिली है इसमें से एक जीरो आप खत्म कर दीजिए, बचे कितने, 7, 7 की गुणा 66 में करा दीजिए, 7 छंग 42, 7 छंग 42 और 4 46, ये हो गया आपका 68 का स्क्वायर। ठीक है, 68 का स्क्वायर हो गया, बात इतनी समझ गए। आगे देखते हैं, देखिए 72 का स्क्वायर हमें चाहिए। 72 का स्क्वायर करने के लिए हमें नियरेस्ट दहाई चाहिए, तो नियरेस्ट दहाई हमें क्या है, घटाने पर मिलेगी। कितना घटाने पर, 2, 2 घटा दे तो कितने मिल जाएंगे हमें, 70 मिल जाएंगे। ठीक है, अब हमने 2 घटाए हैं तो 2 जोड़ने भी पड़ेंगे। ठीक है, तो जो 2 जब जोड़ेंगे इसमें तो हमें मिल जाएंगे 74। ठीक, क्या करना है, जितना हमने घटाया या जोड़ा है उसका वर्ग कर दीजिए, 2 दूनी 4, यहां जो दहाई मिली है उसमें से 0 खत्म करिए, 7 की गुणा 74 में करिए, 7 चौक 28 और 7 सत्ते 49 और 2 51। ठीक है, तो ये 72 का स्क्वायर मिल गया। ऐसे ही देखिए, 87 का स्क्वायर निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको हम नियरेस्ट दहाई 3 जोड़ने, अगर तो ये 90 बन जाएगा, 3 जोड़ने पर 90 हो जाएगा। 3 जोड़े हैं तो 3 आप इसमें से घटाइए भी, जब घटाएंगे आपको 84 मिलेंगे। इतना बात समझ गए, क्या करना है, जो दहाई मिली उसमें से 0 खत्म कर दीजिए। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमने जोड़ा है उसका वर्ग करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3 3 9 हो जाएगा। अब क्या करना है, दहाई में से 0 खत्म करिए और यहाँ कितना है, देखिए 9 की गुणा किसमें करेंगे, 84 में करेंगे, तो 9 चौक 36 हासिल 3, 9 8 72 और 3 कितने हो गए, 75। ठीक है, देखिए ये इसका स्क्वायर आ गया। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान ट्रिक है, बहुत ही इजी ट्रिक है, और इससे किसी भी संख्या का आप स्क्वायर निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, आपको हमारी ट्रिक कैसी लगी, अगर आपको हमारी ट्रिक अच्छी लगी
और आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, तो ये वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।